हेलो नमस्कार, राम राम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, अपना भाई, योगा टीचर रवि भारद्वाज चाइना में रहता हूं दोस्तों। यहां से आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, और पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं कि रवि भाई, भाभी और अमन को वीडियो में लेके आओ, वो कहाँ हैं, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सब बता दूंगा कि वो लोग कहाँ हैं, क्यों व्लॉग में नहीं आ रहे हैं, क्यों मैं अकेला आजकल व्लॉग बना रहा हूँ और क्यों व्लॉग जो है कम आ रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता है ये बात मुझे सब कुछ आपको क्लियर करके बतानी पड़ेगी कि क्यों व्लॉग कम आ रहे हैं और क्या रीज़न है, अमन और योगिता क्यों नहीं व्लॉग में आ पा रहे। तो ये सब चीज़ें मैं आज इस व्लॉग में जो है क्लियर करूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता लगे क्यों क्यों भाई ये सब हो रहा है। ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज घर पर अकेला था, तो सारे काम करके अकेले ही कर रहा हूँ। अभी बर्तन धो रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पंजाबी मूवी लगा के रखी है और ये मेरा घर पे ऐसा पड़ा हुआ है। आज सफाई सफाई मैंने यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे देखिए भाई, ये है स्टैंड जहाँ पे मैं कैमरा लगा के वीडियो शूट भी करता हूँ कभी कभी। ये मेरी सासू माँ ने अपने घर पर बनाया है चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पर, फेस्टिवल पर ये स्नैक्स बनाए हैं उन्होंने। ये चाइना में, पूरे चाइना में होता है ऐसे, अपने फेस्टिवल के टाइम पे हर तरीके के स्नैक्स बनाते हैं ये लोग। तो इन्होंने मुझे भेजा है, पूरा फुल था तो थोड़ा मैंने यहाँ पे लोगों को बांट दिया है। और घर बिल्कुल सुना सुना हो गया भाई। ये देखो अमन रहता है तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आपको पहले पता ही है, वीडियोज़ तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब जब से अमन नहीं है यहाँ पर तो ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो घर पे कोई हलचल नहीं है। दोस्तों मैं अकेले बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मूवी लगा देता हूँ कोई भी, और इस स्पीकर के साथ कनेक्ट करके छोड़ देता हूँ और घर के अंदर काम करते रहता हूँ अकेले। अभी यहाँ पे ये बर्तन है, इनको साफ़ करूँगा, और मार्केट से अभी कुछ सामान लेके आया हूँ खाने का। और ये मेरे ऑनियन है, टमाटोज़ हैं, कुछ खाना बनाना है। और ये मेरा जो है इलेक्ट्रिक कुकर है, इसके अंदर राइस बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर घुमा के छोड़ दो, 15 मिनट में ये घूम के वापस आ जाता है वॉशिंग मशीन की तरह, और इसमें राइस बन जाते हैं। ये देखो घर पे फ्रिज भी बिल्कुल खाली हो गई है यार, बिल्कुल खाली खाली हो गई है। जब योगिता रहती है तो ये पूरा फुल रहता है। ये देखिए कम से कम 10 दिन हो गए ब्रेड मैंने खाया ही नहीं। मज़ा सा नहीं आता है भाई लाइफ का ऐसे अकेले अकेले रह के। तो बस ऐसे ही पड़ा हूँ आजकल घर पर, बोरिंग हो रहा है बहुत। दोस्तों मैं अभी अभी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आया हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। अब जो है मैं थोड़ा सा खाना बना के उसके बाद जो है आप मतलब कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों से सारी बातें, जो है आपको बताता हूँ कि मैं क्या आजकल चल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है जी, दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, आई होप आपको सारी बातें पता चल जाएंगी और समझ में आ जाएंगी कि क्यों मैं आजकल वीडियो अकेले बना रहा हूँ, क्या सब मेरी लाइफ में चल रहा है। मुझे लगता है यार आप लोग YouTube परिवार हो हमारा, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि सारी बातें जो आज एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यार कि हम योगिता भाभी को मिस कर रहे हैं, अमन को मिस कर रहे हैं, और पर्सनल में Instagram पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इतना कर लेता हूँ कुछ देर के लिए कि खाना वाना बनाने के लिए छोड़ देता हूँ। जितनी देर फिर मैं आपके साथ बात करूँगा तब तक मेरा खाना बन जाएगा, तो व्लॉग भी कंटिन्यू हो जाएगा, मेरा खाना पीना भी हो जाएगा फिर। ठीक है जी, तो आज को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भैया। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन, ज्वाइन का ऑप्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला कार्यक्रम ये करूंगा। 3-4 दिन से ये बर्तन देखो ऐसे पड़े हुए हैं, सारे बर्तन इनको धोना है। ये देखो भाई कितनी गंदगी पड़ी है। जितने बर्तन की मुझे जरूरत होती है सबसे पहले मैं उनको धोता हूँ, ठीक है, फिर खाना वाना बना के बाद में उनको दोबारा से धोऊंगा, क्योंकि पेट में बिल्कुल चूहे दौड़ रहे हैं यार, ड्यूटी से आया हूँ अभी अभी। तो ये देखिए मैंने अभी सिर्फ 2 बर्तन को साफ किया है, दोनों को। इसमें राइस बनाऊंगा, इसमें कुछ सब्जी बना लूंगा, तब तक ये फिर मैं बाद में साफ करूंगा इनको। तो राइस मेरे पास यहाँ पे है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मसाले मेरे पास इंडियन रहते हैं, MDH के मसाले। तो ये आप इंडिया से भी मंगवा सकते हो या फिर यहाँ पे चाइना में भी खरीद सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब करूँगा यहाँ पे कटिंग, पहले राइस को धो के इसको पका लेता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है बहुत ब्यूटीफुल सी, ठीक है, उसने मुझे कल पूछा रवि जी बोला आपकी जो बीवी है घर पे नहीं है, तो आप लोग आप खाना कैसे बनाते हो, खाते कैसे हो, बाहर से ऑर्डर करते हो। मैंने कहा बाहर से नहीं ऑर्डर करता, मैं खुद बनाता हूँ। बोले चाइनीज़ खाना बना लेते हो, मैंने नहीं इंडियन खाना बनाता हूँ। तो बोले मसाले, मैंने कहा जी मसाले तो देखो इंडिया से हमारे फ्रेंड आते हैं, या तो हमारे लिए वो लेके आते हैं तो 5-6 महीने चल जाते हैं, या फिर हम जो है ऑनलाइन से ले लेते हैं। बोला अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात, बोला आपको खाना बनाना आता है। मैंने कहा हाँ आता है, जरूर आता है, मैं कई सालों से बना रहा हूँ। बोले यार ये तो बहुत बड़ी बात है, खाना बना लेते हो आप।
मैंने कहा आप? बोले मेरे को तो खाना नहीं आता बनाने। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, जो आपसे शादी करेगा बंदा फिर वो तो परेशान तो हो जाएगा भाई, तो यही होता है। लेकिन यार उनको सच बताऊँ, उनको जो है ना खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उनके पास पैसा इतना है जॉब पे टाइम देना। अगर वो खाना बनाने के लिए घुस जाएगी किचन में तो कहाँ फिर वो बिजनेस कर पाएंगी। वो चीन में देखो दोस्तों ऐसा है, मम्मी भी जॉब करती है, पापा भी, सास भी, ससुर भी, दादा भी, दादी भी, नाना भी, नानी भी, पूरा फैमिली, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन सब जॉब करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भैया टाइम मिल गया तो घर पे बना लेते हैं, नहीं तो सीधा बाहर जाके, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली जो है यहाँ पे जॉब पे बिजी रहती है। तो ये काफ़ी वैसे अच्छा भी है, सब जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो हमारा होता है जैसे इंडिया में देखो, मेरे फैमिली में पापा जी जॉब करते थे, मैं, मेरा भाई, मम्मी, हम सब पूरा परिवार सिर्फ खाने वाला है, सिर्फ पापा जी मेहनत करेंगे। पापा जी की सैलरी हमारे 1500 रुपये थी, तो 1500 रुपये से हमें पाला, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया पापा ने, तो बहुत मतलब यार क्या ही बोले हमें। यहाँ पे जो होता है चाइना में जो 15-16 साल के हो जाते हैं तो वो अपना यहाँ पे ऑनलाइन ऐप पे कुछ प्रोडक्ट सेलिंग का शुरू कर देते हैं। लड़कियाँ देखने में अच्छी हैं तो वो मेकअप का सामान बेचना शुरू कर देंगी, या फिर कोई कपड़े बेचना शुरू कर देंगी, एक खुद ही मॉडल बन जाती हैं, कोई ऐप डेवलप कर लेंगे, उस पर कुछ अपना प्रोडक्ट शुरू कर देते हैं बेचना, मतलब बिजनेस माइंड होता है। तो 15-16 साल के बाद जो ये सेलिंग वेलिंग शुरू कर देते हैं, या 18-20 साल तक, 30 साल तक पहुँचते पहुँचते ये तो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो 15-16 साल के बाद जो है ये लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो माँ बाप के ऊपर जो है कोई ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं रहता। यहाँ पे ऐसा है यार, अपना ही स्टार्टअप कर लेते हैं थोड़े से बिजनेस से, 2-3 हज़ार RMB, मतलब 25-30 हज़ार रुपये से कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, उसको ही लाखों तक ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा है यार बच्चों में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने चाइना में देखी, मैंने यहाँ पे रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और वही चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ आजकल। मैं भी कुछ ना कुछ जो है करते रहता हूँ एक्टिविटीज़, तो काफ़ी इनकम यहाँ वहाँ से जनरेट होती रहती है। किस किस को मेरे साथ लंच करना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो थोड़े से राइस और ऐड कर दूंगा आपके लिए। यार जब से ये इलेक्ट्रिक कुकर मेरे पास आया तो मेरे लिए काफ़ी मतलब अच्छा हो गया, काफ़ी इजी हो गया काम करना। अब शुरू करूंगा यहाँ पे सब्जी बनाना। सच बताता हूँ यार भाई, बड़ा सारा डिमोटिवेशन आ गया था कि यार व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि योगिता भी नहीं है, अमन भी नहीं है, मुझे इतनी आदत पड़ गई है अब देखो उनकी, अब घर पे नहीं तो इतना बोर हो जाता हूँ यार क्या बताऊँ, मतलब अकेले बात कर रहा हूँ ये देखो यार क्या पागलों की तरह। बट फिर भी अपनी दिल की फीलिंग्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो ऐसा लगता, अब तो मुझे ये भी आदत पड़ गई कि जब बात करता हूँ मुझे लगता है कि आप लोग मेरे सामने ही बैठे हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे लगता है कि सामने ही बैठे हो, अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जो है योगिता और अमन जो है मैं आपकी भाभी को और आपके भतीजे को ब्लॉग में नहीं ला पा रहा हूँ। वो दोनों जो है यहाँ से दूसरे स्टेट में गए हुए हैं। योगिता जो है उनकी नानी जी, जिनकी जो एज है वो 90 ईयर्स ओल्ड, 90 साल के हो गए थे उनकी एज, और बीमार भी बहुत थे, उनकी डेथ होगी। तो योगिता वहाँ पे गई थी अपने नानी से मिलने के लिए, मिली नानी से, उसके बाद जो है अपनी नानी से मिलने के बाद कुछ दिन वहाँ पे रही हो तो उनकी डेथ जो है हो गई है। तो मतलब कन्फर्म था इस बार कि बहुत ज़्यादा सीरियस थे, मतलब डॉक्टर ने भी बोल दिया था। तो योगिता जो है ना अपनी नानी को देखने के लिए गई थी, अब उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद कुछ दिन वहाँ पे रहना पड़ा घर पे। मैंने कहा चलो अपना आराम से रह के आओ भैया, क्योंकि बहुत दूर है यार यहाँ से। और दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को, हमारी भावनाओं को, और कुछ ही दिनों में आपकी भाभी योगिता और आपका भतीजा अमन जो है हमारे वीडियो में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो कुछ ही दिनों में वापस आने वाले हैं, लग सकते हैं 5-6 दिन, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। तो जब योगिता एक बार जाती है, साल में एक बार जाती है, तो काफ़ी दूर पड़ता है। मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा 15-20 दिन तो रह के आओ आराम से। दिल की बात तो मैंने आपको बता दी दोस्तों कि बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, फिर भी मैंने वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा धीरे धीरे करके। बहुत हार्ड हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में जो है, जब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हो, तो कोई भी हमें मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, तब सिर्फ आप लोग रहते हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही अपने भाई के YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आपके एक शेयर और एक लाइक से हम भी जो है काफ़ी सारा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है, तो उसके लिए आपका जो दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरे घर पे, आप सोचेंगे कि रवि भाई ने दरवाजे में ये सब क्यों रखा है, तो ये देखिए दोस्तों ये डंबल है मेरे घर में, यहाँ पहले का ही पड़ा हुआ है, जो पहले किराएदार रहते थे उनका ही है, तो यहीं पर पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको पता क्यों रखा है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जुगाड़ लगाया मैंने, इसके अंदर चावल है। ये पट्टी जो है ना उखड़ गई थी यहाँ से, आप देख पा रहे होंगे उखड़ गई थी, तो मिस्त्री कोई रिपेयरिंग वाला आया नहीं इतने छोटे काम के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे थोड़ा सा डाल के, फेविक्विक टाइप का कुछ था मेरे पास, उसको डाल के अब ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है
ऐसे करके, ताकि जो है ये अच्छे से पक्का हो जाए। और यहाँ पे भी बिल्कुल उखड़ गया था यार। अमन चलता है ना घर पे तो उसके पैर में लगने के लिए डर रहता है, तो मैंने इन दोनों को पक्का कर दिया है। एक्चुअली पता नहीं क्या है, ये लोहे की है और नीचे ये तो वुडन फ्लोरिंग है, ठीक है, तो ये आपस में चिपकते नहीं है। कभी भी कोई भी फेविकोल या कुछ भी लगाता हूँ तो चिपकता नहीं है अच्छे तरह से। दोस्तों जब भी मैं घर पे रहता हूँ, मैं हमेशा जो है पंजाबी मूवी लगा के छोड़ देता हूँ, कोई भी मूवी हो पंजाबी, तो वही देख लेता हूँ, या फिर ऐसे छोड़ देता हूँ यहाँ पे आवाज़ ज़ोर से छोड़ के, तो सुनते रहता हूँ। और आपको कौन सी मूवीज़ देखना पसंद है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हो सकता है मैं पंजाबी मूवीज़ देखता हूँ ज़्यादा, तो हमारे सब्सक्राइबर्स में भी होंगे कुछ लोग जो जिनको पंजाबी मूवीज़ ज़्यादा पसंद होगी, फिर भी लिखना कमेंट में, अच्छा है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा। प्यारे दोस्तों अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अदरवाइज मेरा तड़का प्याज ये मसाला सारा जल के ख़त्म हो जाएगा, और भूख तो ऐसी लगी है पेट में कि बस क्या ही बताऊँ। तो फिर भी मैंने वीडियो को बनाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीक तक जो है आपकी भाभी योगिता और अमन भी आ जाएंगे, फिर हम जो है एक साथ व्लॉग करेंगे, फिर मुझे ऐसे पागलों की तरह अकेले घर पे इतने ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अपने भाई के यूट्यूब चैनल को, प्यारे से यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत, उसी से हमें सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार हम तक पहुँचता है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय।